एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन अकेडमी। ये वीडियो यूट्यूब इतिहास का सबसे पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको तैयारी करना है, क्या रूटीन प्लान है, क्या स्टडी प्लान है कि 2022 के मैट्रिक एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाए। हाँ, 2022 के मैट्रिक एग्जामिनेशन को। देखिए, जो स्टूडेंट्स अभी तक चुप बैठे थे, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं जानते हैं मैट्रिक में क्या पढ़ना है, वो अभी तक डिस्चार्ज थे, वो अब ये वीडियो देखने के बाद चार्ज हो जाएंगे और उन्हें चार्ज होना पड़ेगा। खुद के लिए मेहनत कीजिए और मैट्रिक एग्जाम को क्रैक कीजिए। खुद के लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए तो मेहनत कीजिए, ताकि आपके पेरेंट्स को भी आप पर गर्व हो कि हाँ, मेरा बेटा टॉप किया है या फिर मेरी बेटी टॉप की है, ठीक है। और मेरा पूरा फुल्ली सपोर्ट रहेगा आप लोगों के लिए। मैं पूरी गारंटी देती हूँ, आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद, मेरा रूटीन प्लान समझने के बाद, अगर आप खड़े उतरते हैं इस पर, तो आप मैट्रिक एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे पूरा 100% सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। बात करते हैं कि हमारे इस वीडियो से, हमारे इस रूटीन प्लान से आपको कितना परसेंट मार्क्स, कितना परसेंट रिजल्ट मिलेगा। देखिए, हमारे इस रूटीन प्लान को आप लोग जितना परसेंट फॉलो करेंगे, उतना ही परसेंट आपका रिजल्ट बनेगा। अगर आप हमारे इस रूटीन प्लान को 33 यानी कि 33% फॉलो करते हैं, आपका रिजल्ट 33% बनेगा, आप सिर्फ पास हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स आ जाएगा आप लोगों का। अगर आप हमारे इस रूटीन प्लान को जो मैं बताऊंगी उसको 50% आप लोग फॉलो करते हैं, उस पर 50% खड़े उतरते हैं, तो आप लोगों का 50% रिजल्ट आएगा, आप सेकंड डिवीजन आ जाएंगे। हमारे इस रूटीन प्लान को अगर 60% फॉलो करते हैं, तो आप लोगों का 60% रिजल्ट आएगा और आप फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा करेंगे उससे भी ज़्यादा नंबर आएगा। अगर आप हमारे इस स्टडी प्लान को 100% फॉलो करते हैं ना, तो आपका टोटल उतना ही आएगा, 100% ही आएगा। पूरा जुनून रखिए, साहस रखिए अपने अंदर कि 100% लाना है, तो कम से कम 99 या 98 तो पक्का आएगा। वैसे 100% नहीं आता है, लेकिन आप लोग जुनून रखिए 100% का, तभी 99 आएगा, ठीक है। ऐसे अंदर साहस लेकर चलना है, ठीक है। अब जरा रूटीन प्लान की बात करते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रूटीन प्लान बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं कि सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठने के बाद 6 से 7 ये बुक पढ़ना है, 7 से 8 ये बुक पढ़ना है, 8 से 9 ये पढ़ना है। ये बिल्कुल गलत होता है। वो रूटीन प्लान बनाते हैं कि स्कूल प्लान बनाते हैं, जिस तरह स्कूल में एक घंटे के बाद दूसरा बुक पढ़ाई होता है, उस तरह नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग वे होता है। ये आज तक रूटीन सक्सेस हुआ ही नहीं है, कोई भी इस पर खरा नहीं उतरा है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत होता है, इससे कोई सक्सेस नहीं होगा। सुनिए अब बात को, कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखी हूँ कि वो सारा बुक एक साथ लेकर बैठ जाते हैं, पूरा बैग लेकर बैठ जाते हैं, और थोड़ा एक सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, थोड़ा एक सब्जेक्ट से पढ़ना, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ थोड़ा में से पढ़ लेते हैं और रख देते हैं, पढ़ लिए हो गया। लेकिन वो रियलिटी में कुछ भी नहीं पढ़े होते हैं, उनका बुक उठाकर पूछिएगा, कुछ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिए, कोई एक समय में एक बुक को उठाइए और उस पर पूरा फोकस कीजिए और उसको पढ़िए दिल लगाकर, फिर थोड़ा सा इन्जॉय कीजिए, उसके बाद फिर दूसरा बुक उठाइए। सब एक साथ लेकर नहीं बैठना है, दिमाग को प्रेशर मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि दिमाग को अगर आप ज़्यादा ही प्रेशर देंगे, तो आपका दिमाग प्रेशर कुकर बन जाएगा, और देखते हैं प्रेशर कुकर थोड़े देर के बाद कैसे सीटी मारता है, उसी तरह आप लोग का भी दिमाग थोड़े देर के बाद सीटी मारना स्टार्ट कर देगा, थोड़े थोड़े देर में सीटी मारेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि पूरा किताबी कीड़ा बन जाए, दिन भर पढ़ते रहें, ऐसे भी नहीं करना है। आपका दिमाग उस तरह करेंगे तो हमेशा यूज ही में रहेगा। और देखते हैं, जब आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर लगातार यूज़ करने से आपका मोबाइल फ़ोन क्या होता है, गर्म हो जाता है। उसी तरह अगर आप किताबी कीड़ा बन जाएंगे और दिन भर पढ़ते रहेंगे, तो आपका दिमाग लगातार यूज़ होने से आपका दिमाग भी गर्म हो जाएगा। और जिस तरह मोबाइल गर्म हो जाता है, तो उसको आप लोग ठंडा करने के लिए रखते हैं ना, कि थोड़ा देर ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, उसी तरह आप लोगों का दिमाग भी गर्म हो जाता है, उसको भी ठंडा करना पड़ता है, ठीक है। ये डिस्कस हो गया, तो आप लोग आज ही से स्टार्ट कीजिए। 1 अगस्त है ना आज, 1 अगस्त से लेकर जनवरी के लास्ट दिन 31 जनवरी तक, 1 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक पूरा टोटल 6 महीना हो रहा है, यानी कि टोटल 180 दिन हो रहा है, 118 डेज। ये हो गया आप लोगों का सफ़र, 180 डेज का आप लोगों को कमर कस लेना है और इस 180 दिन के सफ़र पर निकल जाना है, जिसमें आपको हर रोज़ ये सफ़र तय करना है, ठीक है। और आप लोग को मान लीजिए 2-3 अगस्त को मेरा वीडियो पहुंचता है, या फिर आप लोग सितंबर में देखते हैं, तो आप उसी दिन से स्टार्ट कर दीजिए ना, उसी दिन से, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से स्टार्ट कर दीजिए, और उसी दिन से आप 180 दिन जोड़ लीजिए, 6 महीना कितना दिन हो रहा है। अभी मैं जिस तरह 1 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक 6 महीना बनाई, उसी तरह अगर आप मान लीजिए 8-9 अगस्त को देख रहे हैं, तो आप 8-9 अगस्त से 6 महीना बना लीजिए, उधर आगे बढ़ा दीजिए फरवरी में 8-9 फरवरी तक, ठीक है। लेकिन इस पर पूरा 180 दिन का आप लोगों का टोटल सफ़र होना चाहिए स्टडी का। अब बात कर लेते हैं जरा बुक्स की। आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी आपको NCERT का बुक, क्योंकि जो बोर्ड होता है ना, वो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन उठाता है, वो NCERT बुक से ही उठाता है। तो बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक NCERT बुक, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, NCERT बुक से ही पढ़िए। टोटल सब्जेक्ट अब समझिए, स्टडी प्लान की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। टोटल आप लोगों का 6 सब्जेक्ट है, साइंस, SST, यहाँ पर है मैथ, हिंदी, इंग्लिश,
उर्दू या फिर तो संस्कृत, जो उर्दू वाले हैं वो उर्दू, जो संस्कृत वाले हैं वो संस्कृत। ठीक है, पहले हम लोग आसान वाले को देख रहे थे, आसान सब्जेक्ट, फिर हम लोग बात करेंगे तीन टफ सब्जेक्ट की। पहले आसान सब्जेक्ट ये है तीन, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। और एक बात ध्यान रहे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये तीनों क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है। और यहाँ पर आप लोगों का भाषा का एग्ज़ाम होता है, लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये इतना टफ नहीं। अच्छा, आप लोग कभी सुने हैं हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, संस्कृत में किसी का क्रॉस लग गया है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी होता ही नहीं कि इन तीनों में क्रॉस लग जाए। हाँ, क्रॉस लगता है, जो स्टूडेंट्स बहुत ही गधे टाइप के होते हैं ना, उनको क्रॉस लगता है, जो कभी लाइफ में सीरियसली नहीं लिए है किसी चीज़ को, उनका क्रॉस लगता है। और उनका सिर्फ इसमें क्या, सभी सब्जेक्ट में क्रॉस लगता है। और उन लोगों के लिए तो ये रूटीन प्लान है ही नहीं, जो अपने लाइफ में कभी भी सीरियसली नहीं लिए हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ सोचे नहीं हैं। हाँ, अगर वो अपने आप में बदलाव ला रहे हैं तब ये रूटीन प्लान को फॉलो करें और उनका भी रिजल्ट होगा। ठीक है, देखिए इधर, ये तीनों सब्जेक्ट जो है ना, हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू, संस्कृत, ये तीनों सब्जेक्ट को, तीनों सब्जेक्ट में ग्रामर से पक्का पूछता है 50%। बात करते हैं हिंदी की। हिंदी जो है ना, हिंदी में देखिए, हिंदी में जो 50% होता है ना वो बुक से पूछता है, 50% क्वेश्चन बुक से पूछता है पेपर में, और 50% क्वेश्चन आप लोगों का ग्रामर से पूछता है। ठीक है, ग्रामर में क्या आता है, वो भी बहुत हल्का हल्का ग्रामर आता है, उसमें गद्यांश दे देगा, गद्यांश का मतलब होता है कहानी दे देगा आप लोगों को, और उसी कहानी से आपको क्वेश्चन दे देगा, आप कहानी को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिंपल, पदांश दे देगा यानी कि कविता देगा, और कविता से जुड़ी क्वेश्चन को दे देगा, उसी कविता से आप उसको पढ़िए और आंसर दीजिए। विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीज़ें हिंदी ग्रामर में आता है, बहुत आसान आसान होता है। तो बुक 50% से क्वेश्चन बुक पूछेगा, सॉरी, बुक से 50% क्वेश्चन पूछेगा और ग्रामर से 50%। तो यहाँ पर 50 ग्रामर से ही आप लोग ले लेंगे 50%, तो इसमें क्रॉस लगने वाला कोई दिक्कत ही, ऐसा नहीं कि लगेगा ही नहीं, लगेगा अगर आप ये लोग इसको पढ़ेंगे नहीं तो लगेगा ही ना। आप लोगों का हिंदी हो गया। आगे देखिए इंग्लिश की, इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी 50% जो क्वेश्चन होता है ना वो बुक से पूछेगा, बुक से, किताब से, और 50% ग्रामर से, वो भी हिंदी की तरह ग्रामर होता है। इसमें भी अनसीन पैसेज आ जाता है, यानी कि इंग्लिश में आपको कहानी लिख कर देगा, स्टोरी दे देगा, और उससे क्वेश्चन दे देगा, आप कहानी को पढ़िए, क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और उसके बाद से इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस आता है। ये बहुत हल्का हल्का ग्रामर होता है, कोई भी आसानी से इसको एग्जाम को क्रैक कर सकता है, इसमें तो ला सकता है इंग्लिश में 50%, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग इसकी तैयारी ही नहीं करें, करना है। ठीक है, बात करते हैं उर्दू और संस्कृत की। तो इन दोनों में भी ना 50% बुक से पूछता है और 50% ग्रामर से, 50% ग्रामर से। और यहाँ पर आप लोगों की बात करूँ मैं उर्दू की, तो उर्दू तो आप लोगों को, जो उर्दू वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जो उर्दू ग्रामर है ना उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये 50% क्लियर करा चुकी हूँ। हमारे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी YouTube चैनल ज्ञापन अकेडमी पर ही उर्दू ग्रामर का प्लेलिस्ट है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारा उर्दू ग्रामर का वीडियो देख लेंगे, आप लोगों का 50% उर्दू कंप्लीट हो जाएगा यहीं पर। और रही बात बुक की, तो बुक की बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि बुक पढ़ाने के लिए, तो कोई बात नहीं, बुक बहुत ही जल्द मैं उर्दू का बुक का वीडियो अपलोड करूंगी, उसको भी पढ़ा दूंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया इन तीनों से कि 50% बुक से पूछता है, 50% ग्रामर से, ये क्लियर। अब जरा इसकी तरफ आते हैं, मेन सब्जेक्ट की तरफ, साइंस, हिस्ट्री यानी कि सोशल साइंस और मैथ। बात करते हैं साइंस की। ये जो साइंस है ना, डेली 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट इन द मॉर्निंग, यानी कि साइंस का 3 क्वेश्चन रोज़ सुबह में, आपको जब भी सुबह में उठने के बाद जब भी टाइम मिले आप रोज़ 3 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, 3 क्वेश्चन को याद करना है। साइंस में 3 बुक आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और तीनों बुक से एक एक क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन हुआ ना, तो तीनों एक एक क्वेश्चन करके 3 क्वेश्चन आपको रोज़ सुबह में याद करना है, रोज़ सुबह में, इन द मॉर्निंग टाइम, याद रहे रोज़ सुबह में। अब मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊंगी कि 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, ऐसा एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊंगी, वो आप बेहतर जानते हैं कि आपको कब याद होगा, लेकिन सुबह में ही याद करना है। ठीक है, तो 3-3 क्वेश्चन आपको का एवरेज लेकर चलना है हर दिन, और 3 क्वेश्चन जब आप 180 दिन याद करेंगे ना, तो 3 × 180, तो आपका टोटल 180 दिन में 540 क्वेश्चन होगा, यानी कि आप 180 दिन में 540 क्वेश्चन को याद कर पाएंगे अगर रोज़ 3-3 क्वेश्चन याद करते हैं। और सुनिए, साइंस में टोटल 16 चैप्टर हैं, और इन 16 चैप्टर पूरा साइंस का जो बुक है उस किताब में जो टोटल क्वेश्चन की संख्या है ना वो है 436, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपका साइंस का बुक में है 436, और बोर्ड कहता है कि अगर आप इन 436 को याद कर लेते हैं तो आपका साइंस में नंबर आ जाएगा। तो क्या 436, तो ये 540 ओवर ही हो जा रहा है, तो आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक से अलग अलग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 540 क्वेश्चन पर आप लोगों का कमांड हो जाएगा। ठीक है, अब SST की बात आती है, सोशल साइंस की। देखिए, इसमें डेली टारगेट लेकर चलना है आपको 4 पेजेस का। SST सोशल साइंस जो होता है ना वो कहानी की तरह होता है, पहले क्या हुआ था, फिर कौन कौन से संविधान है, ये कहानी की तरह है, तो आप लोगों को रोज़ 4 पेजेस पढ़ना है। सोशल साइंस में 4 बुक आता है, और 4 बुक का एक एक पेज, एक पेज एक बुक का, फिर दूसरे
बुक का एक पेज, इस तरह करके चार पेज चार बुक का पढ़ना है एक एक पेज कर। अब ये मैं नहीं बताऊंगी दिन में कभी भी, एवरी इन द मोमेंट, दिन में आप लोग कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊंगी, आप लोग वो खुद निकालेंगे समय, ठीक है। तो रोज़ चार पेजेस पढ़ना है हर एक बुक का, चारों का एक एक पेज, ठीक है, एट इन द एवरी मोमेंट। और ऐसे अगर आप लोग चार का एवरेज लेकर चलते हैं तो 180 दिन में आपका टोटल 420 पेजेस हो रहा है, टोटल 420 पेजेस आप लोग पढ़ लेंगे। लेकिन सुनिए बात को, SST जो सोशल साइंस का बुक है उसमें टोटल 25 चैप्टर हैं और उसमें पेजेस की संख्या आपका जो सोशल साइंस चारों बुक को मिलाकर जो टोटल पेज है वो है टोटल 428 ही। सोचिए, बोर्ड बोलता है कि अगर 428 पेजेस को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका SST में नंबर आ जाएगा। तो ये 720 तो ओवर पेज हो रहा है, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि चार पेज बोल दी हूँ, चार पेज चारों बुक में से एक एक पेज पढ़ लेना है बस हो गया, सिर्फ पढ़ लेना है, नहीं, उसको पढ़ना नहीं है, उसको समझना है। एक पेज को आप लोग कम से कम 20 बार पढ़ें, एक पेज को आधा घंटा लीजिए, एक पेज को आधा घंटा पढ़िए, उसको 20 बार पढ़िए, समझिए उसको, ठीक है। फिर दूसरे पेज, दूसरे बुक के दूसरे पेज को उठाइए, फिर उसको आधा घंटा पढ़िए, उसको 20 बार पढ़िए, समझिए। कहानी को समझना है, ऐसे पढ़ नहीं लेना है। कहानी पढ़ ले और समझ ही में नहीं आया तो क्या फ़ायदा पढ़ने से, ठीक है। तो ये चार पेजेस का एवरेज लेकर चलना है। तो और ये रही बात साइंस की, बात करते हैं तो तीन क्वेश्चन सुबह में याद करना है। तो आप जो ज़्यादा स्टूडेंट सेंसिटिव होते हैं, उनका माइंड तेज होता है, तो तीन क्वेश्चन 10 मिनट में याद कर लेंगे समझ कर। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपको सुबह में तीन क्वेश्चन याद करना है। अब भले ही आप एक घंटा में याद करें, या फिर जो मंद बुद्धि वाले होंगे वो तो एक घंटा में तीन क्वेश्चन उनको याद होगा, और जो चलाक हैं स्टूडेंट्स उनको तो 10 मिनट में याद हो जाएगा। तो तीन क्वेश्चन क्या कीजिए, याद कीजिए रोज सुबह में। आप चाहे 10 मिनट लीजिए या एक घंटा। और यहाँ पर बात आती है हर एक पेज को आधा आधा घंटा पढ़ना है, तो ये हो गया 2 घंटा। सुबह में 1 घंटा इसको याद कीजिए, मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ 1 घंटा। इस तीन क्वेश्चन को याद करने का तो 10 ही मिनट का काम है, लेकिन मैं 1 घंटा मैक्सिमम ले रही हूँ, मंद बुद्धि वाले बच्चों को भी जोड़ रही हूँ उसमें। और उसके बाद से SST का, तो SST में 2 घंटा ले लीजिए, हर एक पेज का आधा घंटा पढ़ेंगे तो 4 पेज पढ़ने के लिए 2 घंटा हुआ। अब आते हैं जरा मैथमेटिक्स की। देखिए, मैथमेटिक्स के लिए तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। आप अपने एरिया के जो पॉपुलर कोचिंग सेंटर है जिसमें अच्छा पढ़ाया जाता है, टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें जाकर मैथमेटिक्स के लिए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पर आप थ्योरीज को बनाइए, समझिए, क्वेश्चन को समझिए और हल कीजिए। और मैं आपको अपनी तरफ से कुछ टिप्स दूंगी, आपको जहाँ भी 10th क्लास के मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव दिखे ना, उस पर डायरेक्ट कमांड कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। ज़्यादा आप फोकस कीजिए मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट गलत होता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव आपको जहाँ कहीं भी दिखे, बुक के सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, मेरा यही सलाह है आप लोगों को। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, रोज़ रात को 1 घंटा बैठकर याद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 10-15 ऑब्जेक्टिव याद कीजिए रोज़। और बात आती है एवरी इन द नाइट, ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए या फिर सॉल्व कीजिए, बात एक ही है। एवरी और थ्योरीज की बात करते हैं, तो थ्योरीज तो एवरी इन द नाइट आप लोग कोचिंग में जाएंगे, वहाँ पर थ्योरीज को सॉल्व करने, सॉल्यूशन करने के लिए बताया जाएगा। तो वो जो सॉल्यूशन करने के लिए बताया जाएगा, सॉल्व करने के लिए बताया जाएगा, वो सॉल्व किया हुआ आप घर पर आप लोग आकर सॉल्व करेंगे एवरी इन द नाइट, रोज रात को आप लोगों को सॉल्व करना है। अब एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद डिसाइड करेंगे, रात को 6-7 बजे 8 बजे, मतलब एवरी इन द नाइट आप लोगों को 2 घंटा आप लोगों को थ्योरीज को सॉल्व करना है, थ्योरी को हल करना है, क्वेश्चन को, ठीक है, 2 घंटा रोज। अब मैं एग्जैक्ट टाइम आप लोग डिसाइड करेंगे, ठीक। तो मैथमेटिक्स हो गया कि रोज 2 घंटा और 1 घंटा रिमेंबर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि 1 घंटा सुबह में याद करेंगे और दिन में कभी भी आपको टाइम मिले SST सोशल साइंस पढ़ लीजिए, 2 घंटा 3 घंटा हो गया जोड़कर, 1 घंटा साइंस का और SST का 2 घंटा 3 घंटा, और मैथमेटिक्स का एवरी इन द नाइट थ्योरीज को हल करना है तो 2 घंटा, तो 3 घंटा 2 घंटा 5 घंटा हुआ, और ऑब्जेक्टिव रिमेंबर 1 घंटा 6 घंटा। अब सुनिए बात को, दिन और रात टोटल मिलाकर 24 घंटा का होता है, 24 आवर्स, और आप इस 24 आवर्स में आप पूरा टोटल 8 घंटा सोइए, 8 आवर्स सोइए, मैं कुछ नहीं रोकूंगी, पूरा दबाकर सोइए 8 घंटा। और ये जो टोटल मिलाकर 6 घंटा है ना, इस 6 घंटा को दिल से पढ़िए, 8 घंटा दिल से सोइए और 6 घंटा टोटल दिल से पढ़िए। और बचा ये टोटल कितना हो जा रहा है, 14 आवर्स हो जा रहा है, 14 घंटा हो जा रहा है। और बचा आप लोगों का 10 घंटा, आपको 10 करना में जहाँ भी जाना है, जो भी काम करना है वो कीजिए, जो भी मस्ती करना है, इन्जॉयमेंट करना है कीजिए, उसमें कोई नहीं रोकने जाएगा। लेकिन हाँ, जब बात आती है पढ़ने की, तो 6 घंटा दिल लगाकर पढ़ना है। और जब भी आप लोग पढ़ने बैठे ना, तो याद रहे पास में बोतल ना हो, पानी का बोतल ना हो पीने के लिए, और मोबाइल हाथ में ना हो, मोबाइल को स्विच ऑफ होना चाहिए, नहीं तो बीच बीच में पढ़ेंगे और मोबाइल उठाकर देखेंगे, बीच बीच में पढ़ेंगे मोबाइल देखे किसका मैसेज आ रहा है,
ऐसा नहीं। लीजिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर लेना चाहते हैं इसको कॉपी पर उतारना चाहते हैं तो लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा स्टडी प्लान को समझ गए, रूटीन प्लान को समझ गए, अब इस पर आप कितना खरे उतरते हैं, इस रूटीन प्लान को कितना फॉलो करते हैं, ये आप पर डिपेंड करते हैं। जितना फॉलो करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।